नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम BSTC 2019 की संस्कृत की उत्तर तालिका लेकर आए हैं आपके सामने। दोस्तों आपको बता दें, आज की इस उत्तर तालिका में 30 के 30 प्रश्नों का बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक उत्तर है जो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। YouTube पर जितनी भी संस्कृत से संबंधित उत्तर तालिका है उनमें दो चार प्रश्न के आंसर हर किसी में गलत है। हमारी सूत्र तालिका में एक भी प्रश्न के उत्तर आपको गलत नहीं मिलेंगे। इसके आधार पर आप अपने वास्तविक अंकों का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारे द्वारा इससे पहले सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की भी प्रमाणिक आंसर की जारी की जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम अपने आंसर की 5 दिन बाद डाल रहे हैं, काफ़ी रिव्यू और परीक्षण के बाद में। इसमें हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। इन सबको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इन्हें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो दिगु समास का जो उदाहरण है वो यहाँ पर आएगा आपका शप्तः, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रवीश इत्यत्र कह संधि। तो रवीश में जो संधि है वो आएगी आपकी शवर्ण दीर्घ संधि। थर्ड क्वेश्चन है, वाक्य प्रयुक्तम भवति। तो ये एकमात्र 30 प्रश्नों में प्रश्न है जो सस्पिशन में, फिर भी आपको बता दें कि यहाँ जो आंसर सही होना चाहिए आपका वो शब्द है सही होना चाहिए, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही होते हैं। वैसे कुछ चांस है कि पदांश को भी सही मान लिया जाए। तो 30 प्रश्नों में केवल यही एकमात्र प्रश्न है जिस पर थोड़ा सस्पिशन है, संदेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है। तो ये क्लियर है, इसमें तत्पुरुष समास आएगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि YouTube पर जितनी भी अब तक की संस्कृत की आंसर की हैं उनमें सबसे प्रमाणिक आंसर की है। इसमें आप एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं निकाल सकते। और तुलना करके देख लेना, अन्य आंसर की में काफ़ी क्वेश्चन गलत मिल रहे हैं, सभी में एक भी जैसे नहीं मिल पा रहे। इस आंसर की को देखने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं, अपना स्वतः मूल्यांकन कर लें। जो प्राप्त अंक आपके आएंगे वो वास्तविक होंगे, ये एकदम प्रमाणिक आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताया इस पद में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें पंचमी विभक्ति आएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वारी वारी जो था इसके द्वितीय द्विवचन का रूप पूछा गया था, बिल्कुल सही है ये, यहाँ पर वारिणी आएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, छात्र षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो छात्र की षष्ठी बहुवचन का जो रूप होगा वो होगा छात्राणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यम जो ये पूछा गया था इसमें प्रत्यय पूछा गया, तो आपको बता दें क्लियर, इसमें तरफ प्रत्यय आएगा योग्यम में, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको बता दें, आप इसके अलावा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग की यदि प्रमाणिक आंसर की देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, नदी जो शब्द है इसका लिंग निर्णय किया था, तो क्लियर है, नदी का जो लिंग निर्णय वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है नदी शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 है, जगत शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप। तो जगत शब्द है इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप होगा जगंती, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक क्रिया या कृत्य कह लकार है प्रयुजते। तो भूतकालिक क्रिया के लिए जो लकार का प्रयोग किया जाता है वो है लंग लकार, तो क्लियर है ये आएगा आपका लंग लकार। दोस्तों आपको बता दें, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो BSTC और PTT के छात्रों के लिए समर्पित है। यदि आपकी किसी प्रकार की भी क्वेरी है, समस्या है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियर प्रत्यय युक्त पद कौन सा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, स्नानीय, इसके अंतर्गत अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 13वां क्वेश्चन है, शांत है यहाँ आदेश कौन सा है। तो बहुत से यूट्यूबरों ने यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा था, ये अनुस्वार कर रखा, जो गलत है ये होगा परसवर्ण, क्लियर है, शांत है में परसवर्ण आदेश होगा। 14th क्वेश्चन है, भवतम भवतम ये रूप कौन सा है। भवतम जो ये रूप होता है ये होता है मध्यम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत, आपका सही आंसर मध्यम पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रि जो ये शब्द है इस स्त्रीलिंग के षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का रूप होगा तीसरा नाम, ये बिल्कुल सही है आपका तीसरा नाम। 16वां क्वेश्चन है, शुद्ध रूपम किम। तो आपको बता दें, जो रमाशु है ये बिल्कुल शुद्ध रूप है रमाशु। 17वां है, उपसर्ग संघ का भवंती। तो बहुत से यूट्यूबरों ने बिल्कुल गलत दे रखा है, कईयों ने बताया नहीं होगा आपको, तो आपको बता दें यहाँ प्रादीय जो है
प्रादीय उपसर्ग संज्ञक होता है। तो बिल्कुल क्लियर है उत्तर आपका, यहाँ पे प्रादीय ये बिल्कुल उपसर्ग संज्ञक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ ध्वनि ना अस्ति, तो आपको बता दें यहाँ जो कंठ ध्वनि नहीं है वो चे आंसर आपका बिल्कुल सही है, चे आएगा इसमें। 19वां प्रश्न है, ज्ञायते पद में प्रयुक्त संधि है, तो ज्ञायते जो शब्द है इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका अयादि संधि है, अयादि संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। 20वां प्रश्न है, ग्रहम अभीते उद्यानम का विभक्ति, तो आपको बता दें अभीतः परीतः समया निक्षा हा प्रति अनुयोगी सूत्र के कारण यहाँ अभीतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है ये। यहाँ पे तालु स्थाने के वर्णा निष्पद्यन्ते, तो यहाँ पर कई यूट्यूबरों का आप देखना बिल्कुल गलत आंसर दे रखा है, बिल्कुल ये सूत्र के अनुसार यहाँ होगा इचुईसा नाम तालु, ये सूत्र यहाँ पे लगता है इचुईसा नाम तालु, तो ई चैवर्ग के योग में जो है यहाँ पर ये ई ई चैछ ये तालु स्थानीय वर्ण होते हैं इचुईसा नाम तालु सूत्र से, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ई ई चैछ यदि आपने किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाभ्याम इति रूपम कश्याम विभक्ते न भवति, तो जलाभ्याम जो ये रूप है यह द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत नहीं होता, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, यह द्वितीय विभक्ति में नहीं होता है। क्षत्रिय ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, तो बहुत सी जगह आपको ये भी बहुत कन्फ्यूजन करेगा, तो बिल्कुल स्पष्ट सही माने आप क्षत्रियणी, क्षत्रियणी ये क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग रूप मिलेगा आपको, तो आपको बता दें क्षत्रियणी अच्छी तरह देख लें, ये बिल्कुल सही होगा, क्षत्रियणी गलत होगा, क्षत्रियणी ये सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन था, तत्रैव पदस्य सम्यक संधि विच्छेद अस्ति, तो तत्रैव के अंतर्गत यदि सम्यक संधि करेंगे तो आपको बता दें यहाँ वृद्धि संधि का उदाहरण है, तत्र प्लस एव वृद्धि रेचि से ये वृद्धि संधि है यहाँ पर, बिल्कुल सही होगा आपका ये तत्र प्लस एव। संप्रदान कार के का भक्ति बिल्कुल क्रिया है, संप्रदाने चतुर्थी इस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी, ये बिल्कुल सही आंसर आपका। दोस्तों आपको बता दें यह बिल्कुल प्रामाणिक आंसर की है, इसके अलावा आपको YouTube पर कोई और उत्तर तालिका आप देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल 30 के 30 प्रश्न सटीक और विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम कारकम न भवति, बिल्कुल क्लियर है, संबंध है कारकम न भवति, संबंध कारक नहीं होता है, संबंध एक संबंध ही है, कारक के अंतर्गत इसकी गणना नहीं होती है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, एहनी एहनी एक ही पदी रूपम, तो एहनी एहनी जब इसको समासयुक्त करेंगे तो ये होगा प्रत्ययम, यहाँ भी आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, कई जगह आपको प्रतिदिन मिलेगा जो गलत है, प्रत्ययम होगा यहाँ पर बिल्कुल सही है। दत्तवंत है, दत्तवंत की बात करें तो दत्तवंत में जो प्रत्यय युग हुआ है वो है कतौतु, बिल्कुल सही आंसर है आपका कतौतु। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह उपसर्ग है न, तो उपसर्गम क्या नहीं है, तो तीन विकल्प बिल्कुल उपसर्ग है, अन कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए आपका सही आंसर यहाँ निकल के आएगा अन। अंतिम क्वेश्चन था, सूर्यम अस्तम गच्छति सूर्य गच्छति उभौ वाक्य वियोजना उपयुक्तम पदम किम, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो उपयुक्त पद का प्रयोग यहाँ किया जाएगा वो उपयुक्त पद है गंतुम, तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो गंतुम होगा। दोस्तों आपको बता दें यदि आपको BSTC या फिर PTT से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, यह चैनल राजस्थान के BSTC PTT छात्रों को समर्पित है, हमने इससे संबंधित काफ़ी आपके काउंसलिंग प्रक्रिया, फीस जमा कराने की प्रक्रिया या फिर कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर के और चालान तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जो हमने वीडियो बना रखी, इन सबको देखने के लिए नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार।